सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। लोहिया कला भवन में आज 21,277 पदों में से जिले के 760 सहायक अध्यापकों को स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा। सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में आज 21,277 पदों में से जिले के 760 सहायक अध्यापकों को स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव सहित जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालय स्थित लोहिया कला भवन में किया गया, जहां सुबह ही चयनित अभ्यर्थी भारी संख्या में पहुंचे और क्रमशः अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वहीं 760 सहायक अध्यापकों को सिद्धार्थनगर जिले में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। इसी क्रम में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सर, आज कितने नियुक्ति पत्र बांटे गए, कितने खुशी है, क्या योगदान? ये आज का दूसरा चरण है। 69,000 शिक्षकों का जो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्लियर किया था, उसमें जो पहले बैच के बाद में जो बचे हुए थे, ये 36,000 कुछ का ये नियुक्ति होना था, जिसमें सिद्धार्थनगर में 760 सहायक अध्यापकों का नियुक्ति आज कन्फर्म होकर वो दिया गया है। तो ये कार्यक्रम है, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसको किया गया है। किसी को कोई इसमें कोई समस्या नहीं आई है और हमेशा हम लोग की जितने भी प्रक्रिया होंगी नियुक्ति से संबंधित, वो सभी इसी तरह चलेंगे। बड़ी ऐतिहासिक भर्ती है सर, सुप्रीम कोर्ट का मामला गया, आखिर नियुक्तियों में इतना ऐसा क्यों हो रहा है कि कोर्ट तक जाना पड़ रहा था? अब कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कमी रही होगी, पहले से ये चले आ रहा था, उस प्रक्रिया को हम लोग ने बहुत सुधार किया है, बहुत परिवर्तन किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रक्रिया को सही माना। कुछ बच्चों ने जरूर उसमें अपना ये सेकेंड बैच के लोग जो हैं, इन लोग ने अपना कुछ आपत्ति किया था, उसको थोड़ा सा टाइम लगा है, मगर वो पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय ने ये माना है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रक्रिया है नियुक्ति की बेसिक शिक्षा विभाग में, वो पूरी तरह साफ सुथरा है और बिल्कुल ठीक है।